यो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे हो सब लोग? तो आज हम कुछ फनी मीम्स पे रिएक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आपकी लास्ट वीडियो देखी, वो डीमोटिवेशनल स्पीकर ने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा और डिग्री लूंगा, फिर डिग्री लगा के चाय पकौड़े बेचूंगा और करोड़ों कमाऊंगा। सर को कितना भी साबुन से नहला दो, जाएगा तो कीचड़ में ही। और भाई इसको कोई तो देखने लगता है। अरे भोसड़ी के वो वाइपर तू रखा था ना वहाँ पर, पता है वो मुझे कितने जोर से लगा? नहीं नहीं भैया जी, हम नहीं रखे थे, ये भोसड़ी का रखा था वहाँ। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। परीक्षा में नकल करते समय अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, तो वो अपनी औकात की बात कर रहा होता है। बात तो सही। इसी के साथ सब स्कूलों का हुआ पर्दाफाश। जी हाँ, स्कूल वालों को पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, स्कूल वालों को सिर्फ बच्चों के बाल ना। ये बात तो 100% सही है। खोल रहा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में एक आदमी अपने बच्चे को बिना किताबों के स्कूल भेज देता था, ताकि उसकी टीचर उसे कहे नलायक कल अपने पापा को बुला कर लाना। तो गाइस मैं सबसे बड़े प्रेमिया से मिलाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए। ज़हार मस्तम नहाना के वो क्या है, ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या है? ज़हार मस्ती। बताओ गाइस, उस सॉन्ग पे किस किसने वीडियो बनाई, किसने वीडियो बनाई, ट्रेंडिंग पे चल रहा है ज़हार। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, विमल और गुटखा चालू कर दीजिए, इसी से आपको लड़कियां पड़ जाएंगी, वरना ऐसी नहीं पटेंगी यार, आप ऐसे सिंगल ही पड़े रहेंगे। इसे बोलता हो जल्दी से गुटका खाना शुरू कर दो, कुछ तो करो और लड़कियां पटाओ, खत्म। कुछ तो होगा, मुझे लगता है झोली कुछ पापी पाप। ए हट, ओ भाई देख स्ट्रेचिंग। वाह ओ भाई, कुछ हुआ कुछ हुआ, अच्छा ठीक है। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। भाई साहब इसको बोलते हैकिंग, अब बताओ। बस गाइस ये भी खत्म करते वीडियो, और आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी इन्हें वीडियो के साथ मिलते हैं।